अज्जू भैया अब कभी इंडिया नहीं लौटेंगे? जो आप जैसे पुरुष देवता को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, मैं उन शैतानों को सजा देना चाहता हूं। अहमद दादा बोलिए ना, क्या होगा हमारे बाऊजी को? अहमद दादा प्लीज बोलिए ना। जेल में हो सकती है। बाला छोटे जीजा जी, आप जीजा जी, चलो कोई तो है जो ये मानता है कि अमृता के साथ अब भी मेरा कोई रिश्ता, वरना ऐसे लगने लगा था जैसे हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। नहीं अमृत, इनकी बहुत याद करती है तुम्हें, बहुत रोती है तुम्हारे लिए। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहते हो? नहीं नहीं अमित, ये कैसे हो सकता है? हम इस बात की कभी इजाजत नहीं देंगे। मैं जानता हूँ बाला, अमृता से मैंने भी यही कहा था कि बाबूजी के कहे बिना हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज मिलवा दो ना मुझे उससे। नहीं अमित, टिंकी से मिलना तो बहुत दूर की बात है, अगर बाबूजी को ये पता चल गया कि मैं मिली हूँ तुमसे, तो भी बाबूजी से बर्दाश्त नहीं होगा। देखो बाला, मैं बाबूजी की खातिर ही उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन अमित, प्लीज बाला, क्या तुम भी यही समझती हो कि मुझे अमृता से नहीं मिलना चाहिए? वो नहीं है मगर, प्लीज बाला, प्लीज। ठीक है, आओ मेरे साथ। क्या हुआ? हाँ है, अपने कमरे में। वो भी अपने कमरे में। क्यों? धीरे बोल। खैमोश। खैमोश। तुम क्यों बात किया ना? सुन तो ले पूरी बात। मैंने कहा ना बाला, मैं उसे नहीं मिलूंगी। अगर क्यों नहीं मिलेगी? बाला, बाबूजी को पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। वो बाबूजी की खातिर भी यहाँ तक आया है, एक बार सुन तो ले कहना क्या चाहता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तुम कैसी हो? रिश्ते जुड़ने से पहले अगर टूट जाए तो इंसान कैसा होगा? बस वैसी हो। तुम क्यों इस तरह बुझी बुझी बातें कर रही हो? क्यों निराश हो तुम? अब क्या करूं अमित, कुछ बचा भी तो नहीं जीने के लिए। ऐसा लगता है चारों तरफ अंधेरा है, ना रास्ता दिखाई देता है और ना मंजिल।
तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा अमित, मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा अमित, कैसे ठीक हो जाएगा? एक दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं जुटती तो दूसरा दुख पहले ही सामने आके खड़ा हो जाता है। बाबूजी दीदी के लिए पहले ही बहुत परेशान थे और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि उन्हें जेल भी हो सकती है। इसीलिए तुम्हारे पास है। तुम अपने बाबूजी से कह देना कि अगर कोई वकील उनका केस ना लड़ना चाहे तो ना सके, हम सब मिलकर चंद्र कपूर के खिलाफ लड़ेंगे। और अगर मेरे डैडी ने तुम्हारे बाबूजी को जरा भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो एडवोकेट बी के नारायण हमेशा के लिए अपना बेटा खो बैठेंगे। रखकर बैठने से चिराग नहीं जला करते। तो क्या करूं, सर पे पैर रख के बैठूं? खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। वैसे तो हर वक्त भाई सब के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आज जब वो मुसीबत में है तो अपनी एक छोटी सी अकड़ नहीं छोड़ सकते आप। क्या बात कर रही हो तुम, कैसी अकड़, कौन सी अकड़ दिखाई है मैंने? मुसीबत के वक्त तो लोग दुश्मन से भी हाथ मिला लेते हैं, पर एक आप है जो अपना का हाथ थामने के लिए भी तैयार नहीं। कौन है ऐसा अपना जिसका हाथ थामूं मैं? अब आप ये भी भूल गए कि आपका अपना एक बेटा भी है। बेटा? कैसा बेटा? खबर आज उसका नाम लिया तो से दिल दिमाग से बेदखल कर चुका हूं। मेरा कोई बेटा नहीं, कोई औलाद नहीं मेरी, बेऔलाद हूं मैं। खुदा का वास्ता है आपको, अगर अपने बेटे को दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ भी मत दीजिए। आपकी रगों में खून है या पानी? वो बेचारा हर दो दिन में फोन करता है और बार बार यही कहता है कि अब्बा से कहें मुझे माफ कर दें, मैं अपने वतन वापस आना चाहता हूँ। और इसकी अब्बा है जो टस से मस नहीं होते। आप बाप है या? चुप क्यों हो गई? कह दो मैं जल्लाद हूँ, कह दो जला दूं मैं। जाए यहां से, खबरदार उसका नाम भी लिया मेरे सामने तो। देखिए आप अपने लिए ना सही, पर इस वक्त अपने दोस्त के लिए उसे माफ कर दीजिए। बहुत होनहार है आपका बेटा, मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई नुक्ता निकाल कर केस जीत जाएगा। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, वो भाई साहब को जरूर बचा लेगा। आपको उसकी जरूरत नहीं है ना सही, लेकिन इस वक्त आपके बेटे की भाई साहब को बहुत जरूरत है। बातें मत बोलो लड़का, और इस वक्त किसी इंसान की नहीं खुदा की जरूरत है, खुदा की। हे देवी माँ, मैंने बहुत पहले मन्नत मांगी थी कि संतोष दीदी का घर सुख शांति से बस जाए तो हम सब तेरे दर्शन को आएंगे। एक बार ऐसा लगा कि शायद तूने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमें तभी आ जाना चाहिए था, नहीं आए शायद इसीलिए बात फिर बिगड़ गई। तू तो माँ है सबकी, गलती हो गई है तो हमें माफ कर दो, अपने बच्चों पर दया करो माँ। चाची दूध बेटा, तुम्हारे चाचा को अपने बेटे के बारे में कुछ बात तक सुनना पसंद नहीं करते, उसे फोन करना तो बहुत दूर की बात है। डालो ना अपने भैया को। हाँ चाचा, अजी भैया से इतने नाराज है, हम कैसे बुला लेंगे? क्यों नहीं बुला सकते,
हर साल रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी भेजती हो ना? जी चाची। और भाई जो राखी बांधता है उसका क्या मतलब होता है? यही कि वो अपनी बहन की रक्षा करे। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम लोग उसे यहाँ बुलाओ, उसे फोन करो, उससे कहो कि वो यहाँ आए और अपने इस पाक बंधन की हिफाजत करे। चाची, डिंकी बेटा, तुम उसे फोन करके बुलाओगी ना? हाँ चाची, मैं फोन करूंगी अपने भैया को, मैं बुलाऊंगी उन्हें।